सिलेजिनेला के अंदर लास्ट टर्न पे हम राइजोफोर के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम देखेंगे इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर लीव्स। लीव्स जो होती हैं सिलेजिनेला की, दे आर सिंपल, लेंसियोलेट और ओवेट इन शेप। साधारण पत्ती होती है, छोटी होती हैं, भालाकार या अंडाकार दिखाई देती हैं। अ लिग्यूल इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ एट द बेस। ये देखिए, यहाँ पर एक लिग्यूल पाया जाता है। यूजुअली जो लीव्स होती हैं इसकी, सिलेजिनेला की, ये बहुत ही पतली और सॉफ्ट होती हैं, लेकिन सिलेजिनेला रुपेस्ट्रस के अंदर जो कि ज़ीरोफिटिक है, उसमें लीव्स बहुत ही हार्ड सरफेस वाली और मोटी होती हैं। हर लीफ के ऊपरी सतह पर आधार से जुड़ी हुई, हाँ आप देखिए, बेस से जुड़ा हुआ एक मेम्ब्रेनस या झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ देखिए आप, जिसे जीविका या लिग्यूल कहा जाता है। लिग्यूल के बेसल पार्ट पे, बेस पर, ये देखिए यहाँ पर एक प्याले नुमा कप शेप्ड लिग्यूल गर्थ होती है। लिग्यूल के आधार पर एक ठोस, मतलब सॉलिड जो है, थिन वॉल्ड कोशिकाओं से बनी अर्ध गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे ग्लॉसोपोडियम कहते हैं। और ये ग्लॉसोपोडियम जो है, ये एकदम लीफ के बेसल पार्ट पर लिग्यूलर पिट में प्रेजेंट होता है। तो ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स हो गए कि लीफ के अंदर लिग्यूल पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें लिग्यूल पाया जाता है, तो वो है सिलेजिनेला। लिग्यूल जो है वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे सिलेजिनेला कॉलेसेंस में ये टंग लाइक होता है, जीविकाकार का पालित हो सकता है, सिलेजिनेला मार्टेंसाई में एक्सेट्रा फैन शेप्ड होता है एक्सेट्रा। लिग्यूल का हालांकि कार्य जो भी फंक्शन है वो वेल नोन नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि यह वाटर को एब्जॉर्ब या सिक्रीट करने के लिए काम में आता है। स्ट्रोबाइलस या कोन का जो स्ट्रक्चर है अब हम देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय लाइफ साइकिल के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन में दो तरह से हो सकता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स या बीजाणुओं द्वारा जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, विखंडन के द्वारा, जैसे सिलेजिनेला रुपेस्ट्रस, या फिर ट्यूबर्स और बुलबिल्स के द्वारा होता है, जैसे सिलेजिनेला क्राइसोकॉलस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ट्यूबर्स। और ये जो ट्यूबर्स या कंद होते हैं, ये रूपांतरित शाखाओं के सिरों पर भूमि में परिवर्तित होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स में ये बुलबुल्स के द्वारा भी होता है, जबकि कुछ स्पीसीज़ के अंदर जो ट्यूबर्स होते हैं वो सिंपल एरियल ब्रांचेस की सिरों पर भी पाए जाते हैं। दे आर बॉर्न ऑन द एपाइसिस ऑफ एरियल ब्रांचेस। देखिए आप, इसमें रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ सिलेजिनेला इज स्पोरोफाइट विद विच अंडरगोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। जो सिलेजिनेला का
मुख्य पादप शरीर होता है वो हम सभी जानते हैं बीजाणुद्भिद है, और इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम बाय मियोटिक डिविजन्स ऑफ स्पोर मदर सेल्स, सो द स्पोर्स आर हैप्लॉइड। बीजाणु जो हैं वो बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, इसलिए यह अगुणित होते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर्स जो होते हैं वो अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद पादप का या नई पीढ़ी का को जन्म देते हैं। सिलेजिनला इज हेट्रोस्पोरस एज टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। सिलेजिनला एक विषम बीजाणिक वंश है क्योंकि इसमें दो प्रकार के बीजाणु लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी में तथा गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं। मैनी माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम वेयर एज फोर मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी में कई सारे लघु बीजाणु बनते हैं जबकि गुरु बीजाणुधानी में केवल चार गुरु बीजाणु ही बनते हैं। स्पोरेंजियम डेवलप्ड इन द एक्सिल ऑफ स्पोरोफिल। बीजाणु धानियां जो होती हैं वो बीजाणु पर्णों के कक्ष में उनका परिवर्तन होता है। स्पोरोफिल आर लाइक नॉर्मल लीव्स। जो बीजाणु पर्ण होते हैं वो सामान्य पर्ण जैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इसका डायग्राम इधर दे दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबाइलस देखिए, इसके एक्सिल में लीव की एक्सिल से स्ट्रोबाइलस ये बन रहे हैं। मेगास्पोरोफिल विद मेगास्पोरेंजियम, ये तो है इसका स्पोरेंजियम जिसमें कि कई सारे लघु बीजाणु बनते हैं लघु बीजाणु पर्ण के अंदर ये, और ये है गुरु बीजाणु धानी जिसमें कि चार गुरु बीजाणु बनते हैं इस तरह से। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया इन स्ट्रोबाइलस में इन मैनी स्पीसीज लाइक सिलेजिनेला क्रोसियाना सिलेजिनेला हेल्विटिका बोथ माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल आर फॉर्म्ड ऑन द सेम स्ट्रोबाइलस। ये देखिए आप, इधर माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया हुए कॉन्स जो हैं सिलेजिनेला के डिफरेंट स्पीसीज के स्ट्रोबाइलस हैं। ये पहला है ये सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस में, जिसमें कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया एक ही स्ट्रोबाइलस पे पाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए सिलेजिनेला ग्रेसिलिस के अंदर और सिलेजिनेला एट्रोवाइड विरिडिस के अंदर ये अलग अलग शंकुओं में पाए जाते हैं। जिन जातियों के अंदर या जिन स्पीसीज के अंदर माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया एक ही स्ट्रोबाइलस में बनते हैं उनकी जो पोजीशन है वो भिन्न भिन्न जातियों में अलग अलग होती है। अधिकांश जातियों में स्ट्रोबाइलस के जो आधार वाला भाग होता है उस पर मेगास्पोरेंजिया बनती हैं और ऊपर वाले पार्ट पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया के लिए हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।